हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ खानवी की रेसिपी। ये सबको बहुत पसंद होती है और बहुत ही टेस्टी भी होती है। अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो ये 100% बहुत अच्छी बनकर आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक बाउल में मैंने आधा कप बेसन लिया है, उसमें हम आधा कप दही ऐड करेंगे। दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम उसमें कटी हुई हरी मिर्च और 2 चम्मच कसा हुआ अदरक ऐड करेंगे। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मिर्च और अदरक का फ्लेवर आए। यहाँ पर मैंने आधा आधा कप 2 बार पानी ऐड किया है। नमक स्वाद के अनुसार ऐड करिए। 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड की है। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर एक पैन लिया है, पैन में हम अपने बैटर को छान लेंगे। छानने के बाद हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे। गैस की फ्लेम हम लो ही रखेंगे, हमें ये लो फ्लेम पर ही कुक करना है और इसको धीरे धीरे हम चलाते रहेंगे। कोशिश करिएगा जो आप पैन लें वो थोड़ा फैला हुआ हो, नॉन स्टिक हो, उसमें बनाना थोड़ा इजी हो जाता है। ये धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो गया है। मैंने इसको एक बाउल पे हल्का सा बेसन को फैला के देखा है। ये एक मेथड है खानवी को चेक करने का, अगर आप चाहें तो इस मेथड से भी चेक कर सकते हैं। हमारी खानवी ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं इसको फैला रही हूँ अब वो पैन पे लगने लगा है। मैं उसको ऊपर से छोड़ रही हूँ तो वो फ्लो में नहीं गिर रहा है। इवन बेसन की आपको टिप दिखाई दे रही है, जहाँ जहाँ मेरा स्पैचुला चल रहा है वहाँ वहाँ बेसन एक शेप ले रहा है, वहीं पर वो एक टिप बना रहा है। अगर आप उसको टर्न करेंगे तो बेसन की टिप बन जाएगी, वो टिप के साथ फोल्ड हो रहा है, शेप ले रहा है। तो इस स्टेज पर हमारी खानवी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको अच्छे से फैलाएंगे। मैंने 2 स्टील की प्लेट ली है। आप चाहें तो किचन के प्लेटफॉर्म पर भी फैला सकते हैं और अगर आप चाहें तो किसी टिश्यू पर ऑयल लगाकर एक बार अपनी प्लेट को क्लीन कर सकते हैं, उससे और फिनिशिंग के साथ उतरेगी आपकी खानवी। यहाँ पर हमें सेम तरीके से फैलाना है। वो ठंडी हो गई है तो मैंने उसकी जो कॉर्नर्स हैं उनको निकाल दिया है और बाकी को मैंने कट किया है ताकि खानवी थोड़ा फिनिशिंग के साथ निकले। यहाँ पर एक पैन लिया है मैंने, इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, 2 कटी हुई हरी मिर्च ली है, 4 करी पत्ता लिए हैं, 1 टीस्पून मैंने तिल लिया है और 1 टीस्पून मैंने राई लिया है। उनको अच्छे से भूना है। जब वो भून जाए तो करी पत्ता और हरी मिर्च को निकाल के अलग कर लेंगे। 3 टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ फ्रेश कोकोनट ऐड किया है और आपको वो ऐड करते ही गैस की फ्लेम से हटाना है अपने पैन को। हल्का सा टोस्ट करना है और उसको यहाँ पर स्प्रेड करना है। अच्छे से स्प्रेड करके हम अपनी खानवी को रोल कर रहे हैं। आप देखिएगा कितने अच्छे से रोल होकर हमारी खानवी निकली है। हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।